वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज पद्मिनी फ्रॉम पद्मिनी रिंकीज चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं टू टाइप की होम रेमेडी लेके आई हूँ, जिसे आप अपना के आप अपने फेस को वाइट कर सकते हैं और फुल बॉडी को वाइट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, मैं जो है अपने चैनल पर 450 से भी ज़्यादा वीडियो शेयर कर चुकी हूँ अबाउट ब्यूटी टिप्स, हेयर टिप्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स रिव्यू। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बिल्कुल फ्री है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट पैकेज शेयर करूँगी, जिसको यूज करके आप ना सिर्फ एक आपके कॉम्प्लेक्शन को साफ कर सकते हैं, गोरा बना सकते हैं, बल्कि अगर आपको एक्नी का प्रॉब्लम है या आपको किसी किस्म का डार्क स्पॉट्स है या आपके स्किन डल है और इस प्रकार की इशू है, तो उसे भी आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। सो जुड़े रहिए मेरे साथ और पूरा वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, रंग गोरा करने के लिए मैं लाई हूँ आज कुछ चीज़ें बताऊंगी, जो एक जूस है जो कि आपको उसे रोज़ पीना है, और एक मास्क बताऊंगी जिसे आपको फेस पर या फुल बॉडी पर भी आप लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी स्किन वाइटन हो। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट बात करते हैं जूस की, और स्किन वाइटनिंग जूस। इसके लिए आपको लेना है ड्राई थ्री ड्राई फीक, यानी कि खुश्क अंजीर, या आप मार्केट से इसकी जो फीक की पेस्ट है उसे भी ले सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी उसे मंगा सकते हैं। सो अगर आप पेस्ट ले रहे हैं तो 1 टेबलस्पून लें, और अगर ड्राई फीक ले रहे हैं तो 3 ड्राई फीक लें। सो फ्रेंड्स, एक ग्लास पानी में उसे आपको रात को भिगो लेना है और भिगो कर रखना है, और सुबह उसे आप ब्लेंड कर लेंगे। उसके साथ मिक्स करेंगे एक स्मॉल साइज टोमेटो और स्मॉल पीस ऑफ बीटरूट यानी चुकंदर, और 1 टेबलस्पून लेमन जूस, और उसे अच्छे से सबको मिक्स करके ब्लेंड कर लेना है, और एक छन्नी से छान कर आपको जूस निकाल लेना है। और ये अब रेडी हो गया एक ग्लास स्किन व्हाइटनिंग जूस, जो कि कॉम्प्लेक्शन को फेयर करेगी, साथ ही फाइन लाइंस, डार्क स्पॉट्स, एक्ने, पिंपल्स की इशू को भी सॉल्व करेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, फीग यानी अंजीर में होती है विटामिन सी, जो कि आपके स्किन को ब्राइटन करता है, लाइटन करती है और स्किन टोन को इवन करती है और स्किन की बैलेंस करती है, और अंजीर में होती है हाई फाइबर जो इसके एक्ने को क्लियर होगी और आपको देगी एक क्लियर स्किन और लाइटन ब्राइटन स्किन। और फ्रेंड्स, बीटरूट तो बेनिफिशियल है ऑलरेडी स्किन के लिए, इसे हम सलाद में बना के खाते हैं, जूस लेते हैं, और स्किन में ये होने वाली सारी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स होती हैं, विटामिन्स होती है, और ये स्किन को ब्राइटर करती है, कॉम्प्लेक्शन को फेयर करती है। फ्रेंड्स, एक्नी और प्री मेच्योर एजिंग यानी फाइन लाइंस, रिंकल्स को भी ये सॉल्व करती है। और अगर टमाटो की बात करें तो ये एक ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज है, उसमें आपको डार्क स्पॉट्स को ये रिमूव करती है, कॉम्प्लेक्शन को फेयर करती है और पोर्स को श्रिंक करती है। और लेमन तो बहुत सारी ब्यूटी टिप्स में खाने में यूज किया जाता है, आपको पता ही होगा। सो फ्रेंड्स, लेमन भी एक ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज में आती है, सो इससे कॉम्प्लेक्शन फेयर तो करती है, साथ ही डार्क स्पॉट्स को, पिंपल्स को, एक्ने को भी क्योर करती है। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये ड्रिंक आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करेगी, वो भी इंटरनली, और इसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं बल्कि ज़्यादा फायदेमंद है। सो इसे आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से पहले 30 मिनट्स पहले उसे लेना है, पी लेना है, और 15 मिनट के बाद आपको रेगुलर जो आप नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, वो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जूस आपको रोज़ फ्रेश बनानी है, और उसे आप स्टोर करके ना पिएं, उसे फ्रेश ही बनाएं और फ्रेश ही पिए, ताकि ये ज़्यादा फायदा दे। सो बस इसे एक बार पिए, लेकिन फ्रेश बनाकर पिए, और अगर आपके बीटरूट अवेलेबल ना हो तो आप पालक और गाजर का कॉम्बिनेशन मिला लें, या फिर अगर आपको आपके पास अंजीर नहीं है तो आप कैरेट यानी गाजर और कुकुम्बर को मिक्स करके काम चला सकते हैं।
फ्रेंड्स, ये जूस सिर्फ आपकी स्किन को व्हाइटनिंग नहीं करेगी बल्कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम को भी ठीक करेगी। अगर आपको बालों की प्रॉब्लम है, बालों का झड़ना, गिरना, सफ़ेद हो जाना, तो उससे भी ये छुटकारा दिलाएगी अगर आप उसे कंटिन्यूअसली पीते रहते हैं, फ्रेश पीते रहते हैं। और साथ ही आपकी डाइजेस्ट सिस्टम को भी सही रखेगी और इससे आपकी वेट बैलेंस रहेगी। वेट गेन नहीं होगी बल्कि वेट लॉस होगी अगर आपकी ज़्यादा वेट है, और अगर आपका वेट कम है तो ये वेट गेन कराएगी। सो अब बात करते हैं फेस मास्क की। फ्रेंड्स, इसे आपको रात को ही लगाना है क्योंकि आप अगर कोई भी हाउसवाइफ हैं या फिर वर्किंग लेडी हैं, बिजनेस वुमेन हैं, या फिर घर से काम करने वाली हैं, या फिर कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, तो आपको रात को ही अच्छे से आपको टाइम मिल पाएगी जिसे आप अच्छे तरह से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने स्किन को व्हाइटनिंग बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स क्या है। सो फ्रेंड्स, मैंने इसमें पहले लिया जो है चावल की आटा, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। अगर आप उससे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रखना चाहते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। सो 1 टेबल स्पून चावल के आटा के बाद मैंने लिया 1 टेबल स्पून मैदा और 1/2 चम्मच जो है हल्दी, यानी 1/4 हल्दी, और 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, और 1 टेबल स्पून जो है हमें चाहिए लेमन पाउडर या फिर ऑरेंज पाउडर। सो फ्रेंड्स, मैंने ये घर में बना कर रखा हुआ है ऑरेंज पाउडर, तो उसको ऐड करना है। सो फ्रेंड्स, ऑरेंज पाउडर अगर आप घर पे बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगी और आपको बहुत ही अच्छी इफेक्ट देगी। सो फ्रेंड्स, ऑरेंज पाउडर बनाने के लिए आपको लेना है जो है ऑरेंज, और ऑरेंज को पील करके उसे अपने घर पे, मतलब घर की धूप में ही ड्राई करना है। आपको बाहर की धूप में नहीं देना है, बस ऑरेंज को पील कर लें अच्छे से, और ऑरेंज पील को ड्राई कर लें और जितनी भी दिन हो, और ड्राई करने के बाद उसे एक बार फिर से अच्छे से धो कर फिर से कपड़ों में आप उसे ड्राई कर लें और थोड़ा सा रहने दें घर की धूप में, और फिर उसे आप पाउडर बना लें, और पाउडर बनाकर उसे स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से ब्यूटी फेस मास्क या फेस पैक बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने जो जितने सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आप एक कंटेनर में रखना है, टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ जो है ड्राई लिया है, क्योंकि उसे स्टोर करके रखना है और उसे कंटिन्यू करते रहना है रोज़, यानी हर रोज़ इसे यूज करना है जब भी आप उस जूस को ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने जो है मिक्स मिक्सी में पीस लिया है पाउडर को। ये ऑरेंज पाउडर है, या आप ऑरेंज पाउडर के अलावा अगर आपके पास लेमन, इस तरह से लेमन छिलके की पाउडर है, तो आप लेमन का पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे जो है लेमन पाउडर ज़्यादा मतलब सूट नहीं करती, इसलिए मैं इसमें ऑरेंज के छिलके की पाउडर ले रही हूँ। सो इस तरह से जितनी मैंने लिया है उस क्वांटिटी में 1 टेबल स्पून में उसमें ऑरेंज का पाउडर भी डालूंगी, और आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लिए हैं तो आप उसे ज़्यादा डाल सकते हैं। सो उसमें मैंने 1/2 चम्मच जो है ऑरेंज पाउडर मिक्स किया और उसे अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे, और जब हमें ज़रूरत है यानी रात को उसे हमें पैक बनाना है और फिर थोड़ी देर पैक को रहने देना है क्योंकि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं सारे ड्राई हैं। सो इसके बाद आपको आपकी स्किन की टाइप के हिसाब से यूज़ करना है। जैसे अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप उसमें 1 टेबल स्पून योगरूट ले ले, यानी जो है कर्ड कर्ड दही दही ले ले, और उसे अच्छे से मिक्स कर ले और अपने फेस को पहले धो ले, साफ कर ले, और उसके बाद उसे अपने फेस पर और लगाना है। और फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप उसमें 1 टेबल स्पून मिक्सचर लेंगे इस मिक्सचर को, और उसमें आप 1 टेबल स्पून जो है दूध यानी मिल्क ऐड करेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करके अपने फेस क्लीन फेस पर अप्लाई करेंगे। और थर्ड, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप उस मिक्सचर के साथ 1 टेबल स्पून पानी के साथ उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। और अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो आपको ऊपर
मिक्सर से कोई भी जो आपके पास अवेलेबल है उसे मिक्स करके आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो मिक्सचर है मैं उसमें डाल रही हूँ, जूस है, मैंने एक वीडियो में बनाई थी, वो जूस था, उसे स्टोर करके रखा था फ्रिज में। उसी जूस को मैं उसमें ऐड कर रही हूँ और अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। सो फ्रेंड्स, ये जो पैक है या फिर मास्क है उसे थोड़ा सा ठीक रखें ताकि आप के स्किन पे ये अच्छे से स्प्रेड हो सके, और ड्राई होने पर उसे आपको अच्छे से जेंटली मसाज करके थोड़ा सा स्क्रबिंग टाइप का भी हो जाएगा। उससे क्या होगा, जो डर्ट होगी आपके स्किन पर और फिर आपके स्किन पर जो बाल होंगे वो भी निकल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, जब भी आप उस पेस्ट को अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो उसे 80 से 90% तक ड्राई होने दें, और उसके बाद उसे थोड़ा सा अच्छे से हाथ को गीला करके अपने फेस पर जेंटली मसाज करें ताकि ये अच्छे से डर्ट को निकाल सकें और अपने जो अनचाहे बाल होते हैं उसे भी निकाल सकें। सो उसके बाद आप अपने फेस को धो लें सादे पानी से, और हल्का सा गर्म पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नाइट क्रीम या फिर नाइट मॉइस्चराइजर जरूर इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, ये आपके स्किन को हील मतलब रिलैक्स करेगी और ये अच्छे से काम कर सकेगी। बस इतना ही करना है आपको और रिजल्ट आप खुद जो है फील कर पाएंगे। और फिर ये जो स्किन वाइटनिंग जूस है बहुत ही हेल्दी है, ये आपके हेल्थ को भी सही रखेगी, साथ ही हेयर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, साथ ही स्किन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी और आपके फुल बॉडी को वाइटनिंग करेगी। और अगर आप चाहें तो इस पेस्ट को भी फुल बॉडी पर लगा सकते हैं बॉडी को वाइटनिंग करने के लिए, साथ ही फेस को भी वाइटनिंग करने के लिए। फ्रेंड्स, उसे आपको डेली बेसिस पर करना है और कंटिन्यू करते रहना है जब तक कि आपको लगे कि आपका स्किन एकदम आपकी मनचाही रंग ना जाए। बहुत ही सिंपल है, आप करना चाहें तो कर पाएंगे अपने लिए, खुद के लिए। फ्रेंड्स, डेफिनेटली ग्रेजुअली ये आपके स्किन को वाइटनिंग करेगी, स्किन की सारी प्रॉब्लम को सही करेगी। फ्रेंड्स, दैट द वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।